नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। जाकिर नाइक को दाऊद इब्राहिम से मिलता था धन। इस्लाम की कट्टरपंथी विचारधारा के समर्थक और विवादास्पद उपदेशक जाकिर नाइक के करीबी और उसके सीएफओ आमिर गजधर ने बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने पूछताछ में यह बताया है कि जाकिर के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के लिए दाऊद इब्राहिम भी फंडिंग करता था और एनजीओ आईआरएफ के संबंध दाऊद इब्राहिम से भी थे। सूत्रों के अनुसार आमिर ने कहा है कि दाऊद ने एनजीओ आईआरएफ के लिए फंडिंग की थी। आईआरएफ के लिए पाकिस्तान और दुबई से फंडिंग होती थी। फंडिंग में हवाला डीलर सुल्तान अहमद बिचौलिया था। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने जाकिर नाइक और अन्य के खिलाफ धन शोधन की अपनी जांच के सिलसिले में 16 फरवरी को उसके करीबी आमिर गजधर को गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने दावा किया था कि एजेंसी को संदेह है कि गजधर ने नाइक और उनके एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की ओर से 200 करोड़ रुपए के नकद लेन देन का कथित काम किया था। फाउंडेशन के पीफ टीवी के लिए गजधर की कंपनी कथित रूप से सामग्री प्रदान करती थी। ईडी ने जाकिर नाइक को भी समन जारी किया है। इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी 51 वर्षीय नाइक के खिलाफ विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य को कथित रूप से बढ़ावा देने को लेकर आतंकवाद निरोधक कानूनों के तहत मामला दर्ज किया था। बताया जाता है कि नाइक गिरफ्तारी से बचने के लिए सऊदी अरब में है। दरअसल पिछले साल के ढाका आतंकी हमले के कुछ हमलावरों ने दावा किया था कि उन्हें नाइक से प्रेरणा मिली थी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। योग गुरु रामदेव ने कहा, मोदी से मोह भंग नहीं हुआ लेकिन संत को आसक्ति नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कहा, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे, जनता में अपना भरोसा खो चुके हैं नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव का हमला। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, भाजपा की सरकार बनते ही अपराधी जाएंगे जेल। विदेश मंत्रालय ने कहा, हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई उसे न्याय के दायरे में लाने के लिए पहला कदम। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।